Dear smartwatch brands, if providing an AMOLED panel, metallic build and Bluetooth calling makes a smartwatch experience complete, then 1500 rupees cheap Chinese generic smartwatches are providing it from last 3 years. इस वीडियो में देखेंगे ब्रांड के मिस्टेक्स, बैकएंड थिंग्स दैट आर नॉट ओपनली विजिबल, सो नाउ हाउ टू इम्प्रूव। इंडियन स्मार्ट वॉच मार्केट इज बूमिंग। ये सारे स्मार्ट वॉचेस फिटनेस 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 के नाम पे बिकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम लुक्स दे आर नॉट सर्विंग एनीथिंग। लेकिन इंडियन पीपल लाइक क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, हार्श बट रियलिटी। कोई इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान ही नहीं है, वेल कहां से रहेगा, सारे पैसे तो मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज मोर इंपॉर्टेंट? और 800 बीपीएम सीरियसली, इतनी चीप मार्केटिंग? डमेस्ट फिटनेस ट्रैकिंग, ये फिटनेस ट्रैकिंग के नाम पे डब्बा बेच रहे हैं। इनका एल्गोरिथम इतना गंदा है कि टेबल के, फलों के, सब्जियों के और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है सबके हार्ट रेट मॉनिटरिंग ये कर लेते हैं। अब ये सेंसर की दिक्कत नहीं है, एंड दिस इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। अगर हाथ की मेजर कर ले रहे हैं सही सही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इमेजिन अगर आप कभी खोल के टेबल पे रख देते हो, आप कुछ और काम करने जा रहे हो, इन दैट केस ये टेबल की मेजरमेंट ले लेगा और उसको आपके डेटा वाले ग्राफ में ऐड कर देगा। उससे क्या होगा, आपका जो पूरा मेट्रिक होता है एक सप्ताह का या फिर एक दिन का, वो गड़बड़ा जाएगा। कभी आपको पता चलेगा आपका 200 बीपीएम चला गया हार्ट रेट, जो एक्चुअल में नहीं गया है। तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है ये। और हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी एक्चुअल में ये चीज है यहाँ पे, और इस चीज के कारण ये वॉचेस यहाँ काफी इनएक्यूरेट हो जाते हैं। इवन इफ यू वांट टू लुक एट द डेटा कि ये सब कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इनका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, तो आप डेटा को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इससे एक चीज पता चलती है, कुछ भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। वही दूसरे ब्रांड्स को आप ले लो, जैसे कि ऑनर बैंड, शाओमी का मी बैंड, इनके डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इन सीएसवी फॉर्मेट, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल में आपको मिल जाएगा, एंड यू कैन एक्चुअली सी द एल्गोरिथम डेटा। लास्ट ईयर केस के बारे में आपको बताता हूँ, कुछ बातें हैं जो इंडस्ट्री में दब जाती हैं। तो एक ब्रांड है जिसने अपने एक वॉच को लेके पूरी फेक मार्केटिंग करी थी। उस वक्त कोविड का कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस था और वो अपना SPO2 सेंसर वाला वॉच लेके आए थे, जो फेक सेंसर लेके आए थे, और वो सेंसर आपकी रीडिंग हमेशा 90% अबव दिखाता था और एक्चुअल में उस वॉच में SPO2 के लिए फिजिकल सेंसर था ही नहीं। वेल ये मैटर ट्विटर पे काफी ज्यादा उछला था। अभी भी आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको प्रीवियस ट्वीट्स मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। लोगों ने कोर्ट केस करा, काफी कुछ कर लिया था। हमने इस पे वीडियो भी बनाई थी बट लीगल इश्यूज के कारण हमें वीडियो टेक डाउन करनी पड़ गई थी। नो स्मार्टनेस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे आते हैं। रिप्लाई नहीं कर सकते एप्स नोटिफिकेशंस का, फोन को जेब से बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्या ही कन्वीनियंस हुआ फिर, एटलीस्ट क्विक रिप्लाइज तो ऐड कर सकते थे जो आप सेव करके रख सको। वेल मी बैंड में आता है ये फीचर, जो एक फिटनेस बैंड है। अब ये काफी पुरानी चीज है। म्यूजिक प्लेलिस्ट आप स्क्रॉल नहीं कर सकते वॉच पे। अब म्यूजिक नेक्स्ट ट्रैक करना, प्रीवियस ट्रैक करना, कंट्रोल करना, वो मैं ईयरफोन्स पर टैप करके भी तो कर सकता हूँ, जस्ट परफॉर्म करके। सैमसंग की एक वॉच थी 2018 में जो लॉन्च हुई थी, उसमें आपको ये वाला फीचर मिल जाता है, आप म्यूजिक स्क्रॉल कर सकते हो लिटरल प्लेलिस्ट को। दिस इज 2022 मैन, एटलीस्ट कॉपी तो कर ही सकते हैं। नो ऑफलाइन म्यूजिक ट्रांसफर थ्रू वाईफाई। वैसे काफी खुशी की बात है कि हमें जितने भी स्मार्ट वॉचेस अंडर 10,000 मिल रहे हैं इंडियन ब्रांड्स के, उनमें हमें ऑफलाइन म्यूजिक प्लेयर मिल जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि म्यूजिक को ट्रांसफर करने के लिए आपके मोबाइल के ब्लूटूथ से गाना ट्रांसफर होगा। यार कितना टाइम लगेगा, मतलब मुझे 5 गाने डालने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट बैठना पड़ेगा। और अगर किसी के पास पीसी नहीं है तो मोबाइल दुकान जाइए गाना डलवाने के लिए, गाना वाले भैया के पास। वही आप Amazfit GTS 2 को ले लो, जो 2 साल पुराना स्मार्ट वॉच है, और उसमें आपको स्पेशल वाईफाई मिलता है सिर्फ गाने ट्रांसफर करने के लिए। चलो इतना तो सह लेंगे, बट ये आप नहीं सह पाओगे। गिमी की फिटनेस मोड्स, नो नैप मोड ट्रैकिंग। याद है मी बैंड 5, ऑनर बैंड 4, 2 साल पुराना बैंड हैव दिस फीचर। जिनको नहीं पता नैप मोड क्या होता है, तो दिन के टाइम में आप सोते हो, उस स्लीप ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करना इस नैप मोड में आता है। ब्रांड से क्या हो रहा है? ओह एक बात याद आई, वॉच इनकी अपनी रहे तब तो नहीं समझे, कुछ देर में समझ जाओगे। वर्कआउट ट्रैकिंग fully inaccurate with no GPS syncing. Outdoor workout जैसे कि outdoor cycling, outdoor running, इन सब में जो data की accuracy होती है वो GPS के through maintain होती है। इनके mostly watches में आपको GPS का chip तो देखने को मिलता नहीं है, तो कोई बात नहीं, phone के GPS को use करके हम data track कर सकते हैं, साथ में phone carry कर लेंगे while we are doing outdoor workout। But नहीं, इनके watches में आपको phone के साथ GPS का data sync करने का कोई option नहीं मिलता है। तो ये ऐसा हो गया ना कि outdoor workout हमने on करा और बस timer दिखाएगा कितने देर से इतने देर तक आपने करा, तो यार वो तो हम ऐसे भी calculate कर सकते है ना, टाइम देख करके पता चल जाएगा 1 घंटे करा। व्हाट द
यार बैकएंड थिंग्स दैट आर नॉट ओपनली विजिबल. आपके दिमाग में आ रहा होगा इंडियन ब्रांड्स ही क्यों, बिकॉज ये अपने हैं यार और इंडियन ऑडियंस ने ही इन्हें उठाया है. और अब इंडियन ऑडियंस का ही काटो, दिस इज नॉट फेयर. सिर्फ शार्क टैंक में शार्क बनने से नहीं होता. अब देखो ऐसी बात नहीं है कि ये ब्रांड्स इतने बुरे हैं. सीन क्या है मैं बताता हूँ. अभी जितने भी स्मार्ट वॉचेस आपको मिलते हैं इंडिया में, उनमें कंपनीज इन्वेस्ट और मेहनत करना नहीं चाहती है ज्यादा. जो चाइना में वॉच प्रेजेंट है उसको बस रीब्रांड करके यहाँ लॉन्च कर देना है. ना वो डिजाइन पे काम करते हैं, ना ही खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हैं. अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा दाफिट नाम का जो एप्लीकेशन है, वो मोस्टली जितने अलग अलग ब्रांड के स्मार्ट वॉचेस यहाँ बिकते हैं आपको सब में सेम एप्लीकेशन कॉमन मिल जाता होगा. आप दाफिट लिखो किस ब्रांड के साथ आपको मिला एप्लीकेशन, देखो बहुत लोगों का मैच कर जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होंगे. क्योंकि ये सारे स्मार्ट वॉचेस एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर बना रहा है विद अ चीप पैकेजिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग. लेट मी एक्सप्लेन. खुद का डिजाइन R&D का पैसा, खुद का सॉफ्टवेयर R&D का पैसा, खुद के फीचर्स R&D का पैसा, बट द पैसा इज गोइंग इनटू द मार्केटिंग गाइस. सो द मैन्युफैक्चरर विल प्रोवाइड इट्स ओन फीचर सॉफ्टवेयर डिजाइन. अब आपको क्या करना है, बस मॉडल सेलेक्ट करने है, अपना ठप्पा लगाना है ब्रांड का और बेच देना है. मोबाइल पे इतनी बड़ी स्क्रीन पे ब्लोटेड UI में लोगों को दिक्कत आ जाती है. अब बताओ स्मार्ट वॉच में इतनी घटिया UI मिलेगी जो ठीक से काम नहीं करती तो लोगों का क्या हाल होता होगा. यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेड भी है. अब ये चाइनीज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो मे बी आई एम नॉट श्योर, हो सकता है जो डेटा हैंडल कर रहा है वो चाइनीज एप्लीकेशन चाइनीज मैन्युफैक्चरर हैंडल कर रहा हो. सो नाउ हाउ टू इम्प्रूव. अब मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं कर रखी है इसमें, बट फिर भी मेरे कुछ एनालाइज्ड पॉइंट्स हैं जिन पे वर्क करा जा सकता है. मुझे पता है इन चीजों पे वर्क करेंगे तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का. बट यार Xiaomi, Realme, Amazfit, Honor, Huawei ये सभी तो वर्क कर रहे हैं ना. उन फीचर्स को आप डालो ही मत जिन फीचर्स को यूज करने में लाइक दिक्कत आती है, जैसे कि ब्लूटूथ कॉलिंग. मुझे पता है अभी तक में जितने भी स्मार्ट वॉचेस है 6000 के भी 7000 के भी सब में ब्लूटूथ कॉलिंग परफेक्टली फाइन, किसी में काम नहीं करता. मैंने काफी सारे ट्राई कर रखे हैं. प्लस ऑफलाइन म्यूजिक किसी में ठीक से काम नहीं करता, TWS पेयरिंग की दिक्कत आती है, बहुत तरह के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं. 50-60 स्पोर्ट्स मोड्स, क्यों इतने सारे स्पोर्ट्स मोड्स डालने भाई, एक स्पोर्ट्स मोड 7 स्पोर्ट्स मोड्स डालो जो काम के हों लिटरल और जो एक्चुअल परफेक्टली फाइन काम करे, रादर कि उतने सारे स्पोर्ट्स मोड्स डालना है यहाँ पे. तो इन सारी चीजों को हटा करके काम कर सकते हैं यूजर इंटरफेस पे, हैंडलिंग एप्लीकेशन पे, डेटा एक्यूरेसी पे और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस पे. और इतने सारे वॉचेस लॉन्च करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, दो लॉन्च करो, दोनों पे अच्छे से वर्क करो. सो दिस वीडियो इज जस्ट टू अवेयर द कम्युनिटी अबाउट इट कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है. आई नो ये मार्केट है, यहाँ पे बिजनेस करने हर कोई आया है, बट देन ऑल्सो यार ये कुछ ज्यादा ओवर हो गया था. सो आई थॉट कि थोड़ा बातें शेयर करते हैं सबके साथ. तो इस वीडियो को चेकआउट करो और देखो मैंने सारे ब्रांड्स को उठा करके डेटा एक्यूरेसी टेस्ट करा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ब्रांड कैसा डेटा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है. और जाने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना. पीस आउट.